तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। तो मैं अभी घर से निकल रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ घर से। अब देख सकते हैं अभी भी काफ़ी अंधेरा है। तो आज मैं रोड मेन रोड की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ करने, क्योंकि वहाँ गाड़ी पोल्यूशन वहीं सेम पे। आज मैं आपको मैं हमारे यहाँ के खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, नदी शायद आई थिंक दिखा पाऊँगा कि नहीं, बट कोशिश करूँगा कि नदी को भी कैप्चर करूँ। तो चलिए बने रही मेरे को। दोस्तों, मैं अभी कुछ आधे रास्ते में हूँ। यहाँ मुर्गे चिल्ला रहे हैं। तो कुछ ही देर में आपको पहाड़ वगैरह दिखना शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट घर से निकले हूँ, तो आज मैं ज़्यादा दूर ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। मैं लगभग 2 किलोमीटर जाऊँगा, 2 किलोमीटर के बाद वापस आ जाऊँगा। एक्चुअली देखिए, मैं अभी जस्ट उठा हूँ, अभी सुझाव आ। देखिए व्यू, ये नेचुरल से व्यू है। पता नहीं आप लोगों को दिखे नज़र आ रहा है कि नहीं। ये कोई खेत नहीं है वैसे, ये मैं नज़दीक जाकर आप सबको दिखाता हूँ। देखिए, ये कभी दिन में आप लोगों को उस पार पे जाकर दिखाऊंगा। कटिंग हो रहे हैं अभी रोड के लिए, अभी पूरी तरह से कटिंग नहीं है। बहुत सारे हैं ये, किसी ने नहीं उगाए ऐसे, अपने आप ही उठ रखा जंगी है। बट आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई बार अंदर जाकर देखता हूँ। तो आज मैं यहाँ से जाऊँगा, ये रास्ता यहाँ से होते हुए उस पहाड़ से होते हुए वो आगे तक जाऊंगा। वो जो सामने पता नहीं अकेला प्यार दिख रहा होगा शायद आपको, उसके नीचे मतलब वहाँ ऊपर तो नहीं जाऊंगा, उसके नीचे तक। अभी यहाँ से मैं आपको मैं पीछे की तरफ का एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा, बहुत ही सुंदर आने वाला है आपको। रुकना, रुको एक बार, मैं पहाड़ का भी उस साइड का भी दिखा देता हूँ, नदी किनारे के पहाड़ व्यू। तो बहुत ही सुंदर होने वाला है वो वाला व्यू। मैं वहाँ भी जाऊँगा कभी दिन जाऊँगा, वहाँ भी एक ब्लॉग बनाऊँगा। बट आज नहीं, आज मेरे को वॉक जाना है। तो आनंद लीजिए। कितना सुंदर है हमारा अरुणाचल। तो दोस्तों, आप सभी भी कभी मौका मिलेगा तो विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए वो जो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है बड़ा सा, उसके सामने वाले, उसकी जस्ट सामने मेरे घर है, मकान है। तो मैं वहाँ से आया हूँ, देख लीजिए दोस्तों, वहाँ से चल के वहाँ से यहाँ अब यहाँ पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा हाइट में जाकर आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ा होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वैसे सुबह यूजुअली मैं निकलता नहीं, आज नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों ना वॉक कर लिया जाए आप लोगों को भी। हमारे यहाँ के पहाड़ खूबसूरत, जो क्या कहते हैं उसे, वेदर है, मौसम है, ना आपको भी उसका मज़ा दिया जाए। तो अभी वैसे मैं धीरे धीरे हाइट पे जा रहा हूँ। हाँ सर सर, बिल्कुल। अभी हम यहाँ से, मैं आपको दिखाया था पॉइंट करके, जो यहाँ से यूपी जाते हैं, मैं उस साइड जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं हाइट पे पहुँचूँगा, हाइट पे पहुँचने के बाद आपको हाइट से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अभी कहोगे वो, मुझे भी आना है एक बार, जरूर आना, वेलकम है, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी आ जा सकते हैं। अरुणाचल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जगह है। तो आप लोग आइएगा, मोस्ट वेलकम। इसी भी अच्छी अच्छी जगह है। तो बने रहिए दोस्तों, देख मूवी
ढंग से नहीं धोया सुबह। मैं अगर ज़्यादा आवाज़ करता तो घर वाले जाग जाते हैं। मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था, मैं इसीलिए बस थोड़ा हल्का फुल्का प्रेशर कुकर निकल गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। वीडियो नहीं, वॉक भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी देर देख रहे हो, आप मुझे मत देखिएगा, पीछे पहाड़ में सीनरी को देखिएगा। बड़ा अच्छा सा फील होता है, बड़ा रिलैक्स फील होता है। बस मुझे आज वो बात सही लग रहा है, बोला ना, एक एक पहल की जरूरत होती है पहल की। पहले तो उठने का मन नहीं कर रहा था, निकलने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा और घर से बाहर निकला ना भाई, बड़ा मज़ा आ गया। तो इसलिए हर चीज़ के लिए, कोई भी काम करने के लिए, बस एक स्टेप, पांच स्टेप का बहुत ज़रूरी होता है। जो अगर एक कदम ले लिया आप, उसके बाद तो आगे अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ सीन हुआ, उठा बिस्तर से उठने का मतलब बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। बस करोड़ की जिसे जैसे मैंने बिस्तर को छोड़ा, छोड़ने के बाद मैं अभी यहाँ जब निकला तो बाहर, वाओ इतना फ्रेश, इतना बढ़िया लग रहा है। तो वैसे काफ़ी लोग जग चुके हैं, मैं सोचा मैं ही अकेला हूँ, बट नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ रोड किसी नहीं पर। दोस्तों अभी मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, यहाँ से इस रास्ते मतलब यहाँ से होकर यूपी जाते हैं, मेरे गांव भी जाते हैं जीरो, बट यूजुअली यहाँ से नहीं जाते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। और ये मैं देखिए, वेलकम टू सूट विलेज। तो अभी मैं सूट विलेज की तरफ जा रहा हूँ, अभी धूप निकलने को है। देखिए वो लाल लाल सा हो रहा है, कुछ देर में धूप निकल जाएंगे। लोग दौड़ते हुए, मैं बड़ा सुस्ती मिजाज के हूँ, तो मैं रनिंग वानिंग नहीं करने वाला, मैं जस्ट पैदल चल रहा हूँ। ओके, ये देखिए ये नज़ारा, ये देखिए आप, सन निकलने वाले हैं कुछ देर में, अभी तक निकला नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेदर, गाड़ियाँ भी बहुत आना जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 5 बजे तो यूजुअली आना जाना तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो सांस भी बहुत फूल रहा है, मुझे लगता है आज से हर रोज मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। हाँ, और हो सके तो आप लोग भी सवेरे जागना, अलग से फील आता है, अलग से मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मॉर्निंग में पैदल चलो तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे देखिए वो जगह आने वाला है, ये है हमारा अरुणाचल का यूपी जाने वाला रोड। यहाँ से मेरे गांव भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये है यूपी जाने वाला रोड। और देखिए आप वेडर देखिए, धीरे धीरे लाल होते जा रहे हैं, धूप निकलने को है, कुछ ही देर में धूप निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ से, तो फ्रेंड्स पसीना आ रहे हैं मुझे काफ़ी दूर, तो मैं आपको नीचे का जो व्यू दिखाने वाला था वो मैं व्यू पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। तो अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू नीचे का। अरे ये कहाँ आ गए, अच्छा तो अब देखिएगा व्यू नीचे का। ये है हमारा नाहरलगुन एरिया, मेरे पीछे जो है वो नाहरलगुन है, नाहरलगुन कहते हैं, नाहरलगुन यहाँ से मैं शॉट दिखा रहा हूँ आपको, नाहरलगुन एरिया है पूरा जितना भी है। तो आपको मैं एक बार पीछे दिखा, अच्छा से दिखा देता हूँ। वो देखो धूप निकलने वाला है, वो क्या कहते हैं वो पॉइंट है, धूप निकलने वाला पॉइंट, अभी धूप निकला नहीं है वैसे, निकलने वाले को है। और ये जो है हमारा नाहरलगुन सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ से, वो जो दिख रहा है कटे हुए पहाड़ में, वहाँ से आया, वहाँ से ऐसे चलती 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 यहाँ तक पहुँचा हूँ। नदी आपको दिखाया जाता है एक बार, पता नहीं दिख रही, ये रहा नदी बर्फनी नदी। ये अलग अलग एरिया में जो पहुँचते अलग अलग नाम आते हैं इसके, क्लोज भी दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा अरुणाचल, देखिए कितना अच्छा सीन है,
मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो आप लोग भी सवेरे जागिए, जाग करो। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर कमेंट। तो अभी यहाँ से मैं दिखाने वाला हूँ आपको सन व्यू पॉइंट। यहाँ रोड्स वगैरह बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग। यहाँ का रास्ता ही देखकर बड़ा आनंद आता है यार दोस्तों, पहाड़ों के बीच। देखिए आप लोग भी जब कभी आइएगा तो ज़रूर यहाँ विजिट कीजिएगा। यहाँ तो लोगों का घर है। और आसान सन व्यू देख रहे हैं, धूप निकल के देख लीजिए दोस्तों, सन का व्यू देख सकते हैं आप। सूर्य उदय हो चुके हैं, तो आप किस्मत वाले हो कि आपको सन व्यू देखने को मिल गया है। ये देखिए धूप निकल चुके हैं। कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसे ही कहते हैं दोस्तों, कि भारत में सूर्य की किरण जो पहली किरण है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा नज़ारा है, देख सकते हैं हमारे यहाँ के सूर्योदय। द लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश, इसे ही कहते हैं। तो मैं बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, हमारे यहाँ के सूर्योदय जो कहते हैं भारत में सबसे पहले जो सूर्य की पहली किरण जो पड़ते हैं राज्य, वो यही है अरुणाचल प्रदेश। और जिसे कि आप देख सकते हैं वो सन राइजिंग हो रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को देख लिए होंगे, मज़े आए होंगे। तो दोस्तों अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तो मैं रोज़ उठूँगा, रोज़ जाऊँगा, दोस्तों को भी लेकर आऊँगा साथ में। इस बार मैं अकेला आया, सोचा नहीं यार कैसे होंगे क्या होंगे, बट बहुत रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। चारों तरफ पहाड़, हवा फ्रेश फ्रेश हवा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों भले ही आप लोगों के यहाँ पहाड़ ना हो, बट आदमी को इंसान को मतलब सवेरे जागना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। उठकर कम से कम आधे घंटे टहल लीजिए पार्क में, कहीं जहाँ वातावरण अच्छा हो, ठंडा हो, मज़े हो, इससे ना एक अलग से एक रिफ्रेशमेंट बॉडी में आते हैं, बड़ा तरोताज़ा महसूस करते हैं। आप रात को जो थकावट जितने सोए जितने भी शरीर की थकावट भी दूर हो जाते हैं। तो अभी मैं जाकर नहाऊंगा और फ्रेश हो जाऊंगा। नहाने के बाद में आज दिन भर तरोताज़ा रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप अभी भी बिस्तर में लेटे हो तो मेरे हिसाब से अभी आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गए। नहीं नहीं किसी किसी को होता है कि मतलब कंडीशंस मतलब होते हैं, जाग नहीं पाता या फिर ऑफिस से लेट आए, लेट नाइट आए, नहीं उठा, वो मैं समझ सकता हूँ। बट जो जाग सकते हैं, पॉसिबल है, तो उसे तो ज़रूर जागना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलता है। तो इंसान को मुझे लेनी चाहिए ज़िंदगी की। तो जरूरी नहीं कि जिसको उसको पैसे पासे कार में घूमना, लॉन्ग ट्रिप व्रिप ना, ये मैं भी यही सोचता था क्या ब्लॉग बनाऊंगा, नहीं अच्छा समझ आया ब्लॉग बनाने को बहुत है कि काम। तो जरूरी नहीं है मेरे पास कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, मैं पैदल ही जाके ब्लॉग बना सकता हूँ और ये अच्छा भी रहता है। ना पेट्रोल के खर्च, ना कोई रिस्क, अपना कैमरा उठाया और चलिए चलते चलते आनंद मुझे, आप में से बात करते रहो, बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी उठिए, टहलिए, टहलने के बाद आइए, आने के बाद नहीं नहीं आने के बाद नहीं जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने के बाद लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको मॉर्निंग वॉक जाकर कैसा लगा। क्योंकि लिटरली अगर सच बात बोलूँ ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बस उठने की देरी थी, थोड़ा दिक्कत हुआ उठने में, पता एक बार उठने के बाद तो बल्ले बल्ले हो गए। तो दोस्तों अब कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा, तो पसीना बहुत आ रहे हैं, पैदल चलते चलते दौड़ा भी नहीं जबकि मैं बस पैदल ही पैदल गया, फिर पसीना आ रहा है, तो अच्छी बात है पसीना निकलना सुबह मॉर्निंग। तो देखिए पहाड़ों को देखिए, बड़ी ऊँची ऊँची पहाड़ है,
तो आइएगा कभी हमारे यहाँ, और भी इससे भी अच्छी अच्छी जगह है घूमने को। तो मैं कभी जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा, अगला ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा जल्दी, बट अभी तो नहीं अभी नहीं बना सकता, बट जल्दी बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं वही बोर्ड ये जो वेलकम टू सूट विलेज, तो मैं वहाँ आ चुका हूँ, यानी कि मैं लगभग अब यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर होंगे इधर, तो पहुँच चुका हूँ यहाँ। वैसे काफ़ी दिनों के बाद मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा सांस भी फूल रहे हैं, पसीना भी आ रहे हैं, तो पता नहीं किधर दिख भूत जैसा दिख रहा हूँ। तो अभी यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे घर के रास्ते दिखाता हूँ और सीधे आपको घर में ही मिलूँगा। तो दोस्तों ये जो रास्ते दिख रहे हैं, पता नहीं ये जो रास्ते दिख रहे हैं, यहीं से आया था मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है उसके पास ही है मेरा घर, तो मैं घर के काफ़ी नज़दीक तो नहीं, अभी 200-300 मीटर बाकी है, तो मैं यहाँ आज पहुँच चुका हूँ वापस जा रहा हूँ। तो अभी बहुत रिप्रेस फील हो रहा है, मन तो कर रहा है गाना गाऊँ बट नहीं, गाना का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छे प्ले में सुर में गाएंगे। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा चुका हूँ आई थिंक। तो दोस्तों तो मैं घर पहुँचने वाला हूँ अभी, इतना ही था, तो अभी यहाँ वीडियो पोस्ट करता हूँ, घर पहुँचने के बाद मैं एक बार वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो एक बार लास्ट एक बार सर्कल आपको 360 दिखा देता हूँ, ये रहा ये नदी। मैं कभी दिन यहाँ भी जाऊँगा मच्छी पकड़ने मछली पकड़ने, एक दोस्त फ्रेंड भैया मुझसे कह रहे थे मछली पकड़ने जाएंगे, वो किस दिन गया तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा। तो घर पहुँचने के बाद मिलता हूँ तब तक के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो अभी काफ़ी स्वीटिंग्स पसीने आ रहे हैं, बहुत पसीने आ गए, चलते चलते काफ़ी पसीने निकल गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने फ्रेश होने, तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी उठिए मॉर्निंग वॉक जाइए मजे कीजिए सूर्योदय देखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, हाँ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।